हौसबिल्लवानीम बसमीम रबिशरखली सदरी वसिल्ली अमरी काउली दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेल्स टैक्स लॉज इन पाकिस्तान के हवाले से है आज हम ये जानना चाहेंगे कि सेल्स टैक्स का क्या निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स जो है वो कैसे लगाया जाता है और इसके अंदर जो सेल टैक्स के हवाले से क़ानून मौजूद है वह कौन कौन से कवानी हैं सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेल्स टैक्स जो है वो किस चीज के ऊपर लगाया जाता है सेल्स टैक्स दो तरह के होते हैं एक होता है टैक्स ऑन गुड्स एंड सेकंड वन इज टैक्स ऑन सर्विस अगर हम बात करें तो जब ये सेल्स टैक्स 1990 में एक्ट आया था तो उस वक्त पाकिस्तान के निजाम के तहत तमाम तर सेज टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी अक्रास पाकिस्तान थ्रू बजट और इसकी एलोकेशन होती थी लेकिन अठारहवीं तरमीम के बाद एक मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई टैक्स के हवाले से जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेज आई थी एटीनथ अमेंडमेंट में वहाँ पर टैक्स के हवाले से ये तब्दीली आई कि सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगता था सेल्स टैक्स वो प्रोविंस जो हैं वो खुद कलेक्ट करते हैं अब और गुड्स के ऊपर यानी सप्लाईज के ऊपर जो है वो जो टैक्स लगेगा सेल्स टैक्स होगा दैट इज कलेक्टेड ट्रू द फेडरल गवर्नमेंट जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह इनशाला हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स क्या होता है और गुड्स के ऊपर टैक्स क्या होता है या सप्लाईज के ऊपर टैक्स क्या होता है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं तेज़ी से इनको जानेंगे काटेज इंडस्ट्री काटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है जिस तरह जिस तरह हालात वाक़ और मुल्क के अंदर जो है वो एक रहन सहन का तरीका तब्दील हो रहा है लोगों के अपने लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली काटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी जो है वो चेंज होती है किसी दौर में काटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन थी उसमें हम लोग ये पढ़ते थे या जानते थे कि बिजली का बिल कितना होगा अगर इतनी अमाउंट एक खास थ्रेश होल्ड तक कॉटेज इंडस्ट्री में जो है वो अगर उसकी फाल करता है मसलन बिजली का बिल सालाना आठ लाख से कम होगा तो हम कहेंगे ये कॉटेज इंडस्ट्री में फ़ाल करता है या पाँच लाख से कम होगा तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में फाल होगा लेकिन अभी जो है इसकी डेफिनेशन जो लेटेस्ट है वो ए बी सी और डी में बताई गई है आप लोग पढ़ भी सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्लेड है यह हमें ये बताती है जी कि अगर उसका गैस या बिजली का मीटर जो है वो इंडस्ट्रियल मीटर हो कमर्शियल या रेजिडेंशियल मीटर ना हो उसकी जो इंडस्ट्री है या जहाँ पे ये काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद हो और उसके अंदर 10 से ज़्यादा बंदे काम ना करते हों और सालाना जो उसका टर्न है यानी उसकी जो सेल्स हैं वो तीस लाख रुपये से ज़्यादा ना हों यानी ये चार कंडीशन अगर फुलफिल करती कोई इंडस्ट्री या मैनुफैक्चरिंग कंसर्न है तो इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में लेके आएंगे कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री होती है सेल्स टैक्स लॉ की नज़र में जो जिसको सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो कहता है कि ये रजिस्टर्ड ना भी हो तो काम चलेगा यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री इनफैक्ट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फिर सेल टैक्स की क्लाजिज़ और कानून जो रेलिवेंट क्लाजिज़ हैं या कवानीन जो हैं वो भी अप्लीकेबल नहीं होते अब आप देख लें कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसी मैनुफेक्चरिंग कंसर्न है जिसका बिजली या गैस का मीटर जो है वो कमर्शल हो रेजिडेंशल हो लेकिन इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो उसका गैस का या बिजली का मीटर फिर रेजिडेंशियल एरिया में वो लोकेट कर रही हो फिर उसमें 10 से ज्यादा बंदे काम ना कर रहे हो और सालाना जो उसकी जो सेल है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा ना हो अब ये अगर एग्जांपल करें तो बहुत सी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोग घरों में बैठ के काम कर रहे होते हैं छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं अपनी एक छोटी सी एक मशीनरी लगाई होती है उन्होंने और उसके ऊपर जो है वो मैनुफेक्चरिंग करके आगे उसको लार्ज uh, स्केयर के जो उसके फर्दर मैन्युफैक्चरर होते हैं या उसके जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको या सेल्स के ऊपर जो है उसको फिनिश गुड्स होती हैं तो वो सेल्स के लिए जो है होल सेलर के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं अगर एग्जांपल दें तो डिफरेंट इलाक़े में लाइक फॉर एग्जांपल अगर सरगोदा के इलाकों में आप देखें तो वहाँ पर ये स्विच इंडस्ट्री है छोटे छोटे घरों के अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं स्विचेस बनाते हैं और उसको जो है वो घरों के अंदर ही जो है उन्होंने एक प्लांट या एक इक्विपमेंट लगाया होता है दो चार बंदे काम कर रहे होते हैं घर का उसका कमर्शियल मीटर होगा या रेजिडेंशियल मीटर होगा रेजिडेंशियल एरिया में भी होगा तो इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी दी जा सकती है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करती है मूव करते हैं जी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है डिस्ट्रीब्यूटर इनफैक्ट कोई भी मैनुफेक्चर या इंपोर्टर ऑफ एनी प्रोडक्ट या आइटम उसका जो एक अपॉइंटेड पर्सन होता है एक खास एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है और इसके अलावा एक ऐसा बंदा अगर वो उसके अपॉइंटेड नहीं है डायरेक्ट ही होल सेलर को या किसी रिटेलर को दुकान पे माल रखवा दिया जाता है इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर की तरफ से और वो बंदा जो है उसको होल सेल या रिटेल के तौर पे बेचता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन में आ जाएगा एग्जाम्पल्स बड़ी आसान सी हैं आम फेम है कि पैप्सी होगी नेस्ले होम और इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मसलन जी इस्लामाबाद के एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी पेप्सी का इसने जो है वो पैप्सी के तमाम प्रोडक्ट्स को बेचना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो आगे होल सेलर तक या रिटेलर तक पहुंचाता है इसी तरह ने मोर वगैरह की एग्जांपल्स भी ली जा सकती हैं इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से ये कहा जाता है कि ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स को अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट और वो अकॉर्डिंगली सेल्स टैक्स पे करेंगे कैसे पे करना है हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि सेल्स टैक्स कैसे पे होता है और सेल्स टैक्स कैसे लेवी होता है थर्ड शेड्यूल आइटम बेसिकली वो आइटम होते हैं जिनके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है प्राइस मेंशन होती है कि दिस इज द प्राइस प्लस इसके ऊपर इतना जीएसटी है इसको हम थर्ड शेड्यूल आइटम बोलते हैं नेक्स्ट चलते हैं जी ड्यू डेट आपने इससे पहले अगर इनकम टैक्स लॉ को समझा इनकम टैक्स लॉ के हवाले से जो अवेयरनेस आपको आई तो आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स लॉ के तहत इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो एनुअल रिटर्न फाइल होती है सालाना रिटर्न होती है वेयर एज सेल्स टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो आपके जहन में होनी चाहिए सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के हवाले से सेल्स टैक्स की रिटर्न मंथली सबमिट होती है और इनकम टैक्स की रिटर्न एनुअल सबमिट होती है अब जब एनुअल मंथली रिटर्न सबमिट होगी तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि उसकी ड्यू डेट क्या होगी जिस महीने की रिटर्न होगी अगले महीने के पंद्रह तारीख उसकी ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले रिटर्न फाइल करनी होती है आपने मसलन आज आप बैठे हुए हैं जुलाई 2020 में तो जुलाई 2020 का महीना एंड हो रहा है 31 जुलाई 2020 को और इसकी ड्यू डेट क्या हुई 15 अगस्त 2020 यानी कि अगले महीने की 15 तारीख जो है वो ड्यू डेट होती है अंग्रेजी तेजी से पढ़ लें तो ड्यू डेट इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ रिटर्न मींस द फिफ्टीन डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड यहां पे टैक्स पीरियड अब कितना हुआ एक महीना इनकम टैक्स में टैक्स पीरियड कितना होता है एक साल जी नेक्स्ट चलते हैं जी एग्जामिशंस आम तौर पर ये सवाल आता है जी आप एक बिगिनर्स अगर आप सेल्स टैक्स के होंगे तो आप कहेंगे यार क्या सेल टैक्स हर चीज पे लगता है नहीं थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है लेकिन सिक्स शेड्यूल आइटम्स जो हैं अब ये छठा शेड्यूल बहुत बड़ा है थर्ड शेड्यूल बहुत बड़ा है तो इसलिए थर्ड शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल में आपके सामने डिस्प्ले नहीं कर सकता आप सिंपली गूगल पे जाएं या एफ की वेबसाइट पे जाएं वहाँ पे सेल्स टैक्स को डाउनलोड करें वहाँ पे थर्ड शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल को देख लें आपको समझ आ जाएगी मैं सिक्स शेड्यूल में मिसाल देता हूँ लाइव एनिमल्स लाइव पोर्टली मीट गोश्त हो गया ये जानवर हो गए और इसके बाद जो आपकी फ़िश है इसके बाद लाइव फिश और एग्स वग़ैरह ये जो है ये सारी की सारी जो आपकी दालें वगैरह हो गई ये एग्जेक्ट सप्लाईज होती हैं इनके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स नहीं होता ये सिक्स शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल जो है ना ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जी इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना है इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगना जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना होता है उसको थर्ड शेड्यूल में डाल दिया जाता है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगना उसको सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाता है या अकॉर्डिंगली उसकी वेरिएशन या चेंज होती है कुरान पाक है कुरान का पाक को सिक्स शेड्यूल में डाला हुआ है इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है आ, फिर एक और जो चीज़ होती है कि अब अगर आप गोश्त की बात करें मैंने यहाँ पे मीट की एग्जाम्पल दी तो गोश्त जो है वो सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट होगा जो आपका मतलब जो है वो यूँ समझें कि फ्रेश मीट होता है लेकिन अगर आपका जो है वो प्रिजर्व या पैक्ड मीट होगा तो दैट डजेंट कम्स अंडर द एग्जेंशन क्राइटेरिया पैक्ड फूड जो है वह उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाता है यहाँ पे अब अगर इसको पढ़ें तो मीट ऑफ बोइंग शीप एंड गोट एक्सक्लूडिंग पोल्ट्री एंड ऑफल ओफल वेदर आर नाट फ्रेश फ्रोजन आर अदरवाइज प्रिजर्व आर पैक्ड यानी कि जो पैक्ड होता है उसके ऊपर क्या हो जाएगा वो एक्सेप्शन में आ जाएगी उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाएगा फ्रोजन जो आपकी वो होती हैं चीज़ें डेफिनेटली वो पैक्ड ही होती हैं तभी फ्रोजन होती हैं खैर थर्ड शेड्यूल बड़ा डिटेल्ड है सिक्स शेड्यूल बड़ा डिटेल्ड है वो आप लोग समझ जाएंगे मेरा यहाँ पर मकसद है आपको सेल्स टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देना नेक्स्ट चलते हैं जी गुड्स या टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं गुड्स के ऊपर आपका सेल्स टैक्स लगता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सर्विस के ऊपर आपका जो टैक्स लगता है वो आपके प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं गुड्स किसी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी होगी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि जो आपके अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आपके दिमाग में आ सकता है जी मनी या स्टॉक्स या शेयर या सिक्योरिटीज वगैरह जो है ये भी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं वो जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनके अलावा जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं यानी कि आपकी जमीन की सेल परचेज होगी तो उसके ऊपर या बिल्डिंग की सेल परचेज होगी तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टीज अगर वो एग्जाम डेफिनेशन में नहीं आती मतलब सिक्स शेड्यूल में नहीं आती तो उनके ऊपर टैक्स होगा उसको टैक्सेबल सप्लाईज बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाईज क्या है टैक्सेबल सप्लाईज वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है जरा तेजी से यहाँ पे समझ लें मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाई इंपोर्टर मैनुफेक्चर होल सेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अदर एंड सप्लाई गुड विच इज एगैम सेक्शन थर्टीन एंड इनक्लूड्स दप्लाई गुडेबल टू टैक्स एट जीरो रेट अब जीरो रेट को भी हम एग्जाम कंसिडर करते हैं वैसे जीरो रेट सप्लाईज भी कुछ होती हैं उनके ऊपर जीरो रेट यानी जीरो परसेंट टैक्स लगता है in other words, वो भी टैक्स नहीं होता तो थर्टीन सेक्शन थर्टीन में एग्जाम सप्लाई ये अभी हमने पढ़ ली थोड़ी देर पहले बात हुई है यानी कि अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई कोई एग्जेप सप्लाई नहीं होगी या जीरो रेट टैक्स नहीं होगा तो वो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी ठीक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया जी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स यहां से आपकी असल सेल्स टैक्स की समझ आनी है यहां पर आपने समी सेल टैक्स इसके बाद समझें कि आपको अगर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की समझ आ गई तो बाकी आपने रेलवेंट क्लासेज ही पढ़नी है आपको सेल्स टैक्स की बेसिक थीम समझ आ जाएगी कि सेल टैक्स होता क्या है देखें जी इनपुट टैक्स हो या आउटपुट टैक्स हो ये टैक्स होता है जो आपकी सप्लाईज की गुड्स की सप्लाईज के ऊपर लेवी होता है गुड्स इंपोर्ट होती हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स होता है तो वो टैक्स होता है फेडर एक्साइज ड्यूटी की अगर सेल्स टैक्स मोड में लगे समी लगती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी मोड में गुड्स मैनुफैक्चर करते हुए या प्रोड्यूस करते हुए या सर्विस जेंडर करते हुए तो वो भी इनपुट या आउटपुट टैक्स होता है और प्रोवेंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विस मैंने जिसना पहले बताया कि सर्विस के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो प्रोवेंशियल सेल्स टैक्स कहलाता है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती ठीक अब यहां पर समझने की जरूरत है ये ये चीजें तो इनपुट या आउटपुट टैक्स में आती हैं ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता क्या है जी यहां पर मैं अभी थियेटिकली समझाता हूं आगे इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा हल किसी प्रैक्टिस करूंगा सिंपलेस्ट वे में यू विल बी इन अ टू अंडरस्टैंड द बेसिक थीम ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स अप योर माइंड वी आर गोइंग टू लर्न द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स यही सेल्स टैक्स की बेसिकली थीम है मैं बार बार आपको बता रहा हूं इनपुट टैक्स होता क्या है जी आप कोई चीज परचेज करते हैं आप मैनुफेक्चर हैं या आप होल सेलर हैं आप रिटेलर हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डेफिनेटली आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपने कोई चीज परचेज करनी है तो वही बेचनी है ना अगर आप होल सेलर हैं तो मैनुफेक्चर से चीज को परचेज करेंगे ना फिर उसको आगे रिटेलर्स को बेचेंगे या ना डायरेक्ट एंड यूजर्स को बेचेंगे तो दोनों सिनेरियो में जिसको भी आपने एंड आप यूजर को भेजना है या नेक्स्ट जिसको भी भेजना है तो आप जो चीज परचेज करते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा तो वो आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा और जो चीज आप बेचते हैं उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाएंगे साफ जारा वही उसी चीज के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे जो टैक्सेबल सप्लाईज होंगी या टैक्सेबल सर्विसेज होंगी जो एग्जाम होंगी उनके ऊपर तो आप टैक्स लगाएंगे नहीं कुरान पाक अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगे नहीं फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश सब्जियां ताज़ा गोश्त इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है तो ये परचेज करके भी आए आगे बेचें तो इसके ऊपर नहीं लेकिन अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं आप पेप्सी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो आप रिक, को रिक्वायरमेंट है जी कि आप जब परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे और जब सेल करते हैं तो आगे से टैक्स कलेक्ट करेंगे यहां तक ये चीज क्लियर होगी परचेजेस के ऊपर जब आप टैक्स पे करेंगे टैक्स की बात यहां पर हो रही है तो सेल्स टैक्स इनकम टैक्स नहीं परचेजेस के ऊपर जब आप सेल्स टैक्स पे करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा इनपुट टैक्स अब वो चीज आप जितने की खरीदेंगे इतने की तो बेचेंगे नहीं उसके ऊपर डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन लगेगा कुछ इंक्रीज होगी वैल्यू एडिशन होगी उसकी तो जो वैल्यू एडिशन होगी उसके ऊपर आप बेसिकली वैल्यू एडिड अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स ऐड करेंगे तो जो एडिड वैल्यू के ऊपर जो टैक्स ऐड होगा डेफिनेटली वो परचेज प्राइस के ऊपर जो टैक्स दिया था उससे ज्यादा होगा तो जो आपने सेल्स के ऊपर टैक्स पे किया कलेक्ट किया वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा जो परचेजेस के ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट किया वो सॉरी पे किया वो आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा अब जरा इसको आगे इस एक एग्जांपल में क्लियर करते हैं थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया आपने एक आइटम है हजार रुपए का वो उसके ऊपर सत्रह परसेंट टैक्स है आपने सत्रह परसेंट हजार रुपए के ऊपर जब चार्ज किया तो बेसिकली हजार रुपए का आइटम प्लस 17 परसेंट टैक्स 170 रुपए तो आपने प्राइस पे की 1170 थाउजेंड वन हंड्रेड रुपए आपने पे कर दिए आप ग्यारह रुपए जब पे करेंगे तो उसमें बेसिकली आपका हजार रुपए उसकी परचेज प्राइस है और एक सौ सत्तर रुपयाचेज के ऊपर इनपुट टैक्स यहां पे क्लियर हो गया इनपुट टैक्स किस पे होता है परचेज के ऊपर अब आगे चलते हैं हजार रुपए की चीज है टैक्स तो मैटर है सरकार का आपने चीज खरीदी कितने की हजार रुपए की अब अगर आपने हजार रुपए की चीज खरीदी तो आप हजार रुपए की बेचेंगे नहीं आप तो उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे मैंने अपनी इस एग्जाम्पल में अज्यूम किया कि आप हजार रुपए की चीज को पंद्रह सौ रुपए में बेचेंगे फिफ्टीन हंड्रेड में जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर दोबारा सेवनटीन परसेंट जब टैक्स लगेगा तो पंद्रह सौ प्लस टू फिफ्टी फाइव तो सेल्स प्राइस कितनी होगी इसकी वन थाउजेंड चीज आपने खरीदी ग्यारह रुपए सत्तर की उसमें हजार रुपए उसकी प्राइस थी एक सौ सत्तर टैक्स था बेची आपने पंद्रह रुपए की उसमें पंद्रह रुपए जो है वो बेसिकली आपकी सेल प्राइस है दो पचपन रुपए टैक्स है आपने जिस बंदे को बेची उसे सत्रह रुपए पचपन कलेक्ट किए आपका आउटपुट टैक्स कितना हुआ दो पचपन रुपए इनपुट टैक्स कितना हुआ एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर रुपए इनपुट टैक्स है और दो सौ आउटपुट टैक्स है आपने एक सौ रुपए पे किए हुए हैं दो सौ टैक्स की मद में आपने अपने ग्राहक से वसूल किए हैं ये दो सौ आपने टैक्स की मद में जब वसूल किए हैं, तो ये पैसे आपके नहीं है ये सरकार के हैं लेकिन आपने दो में से एक सौ रुपया इनपुट टैक्स पहले पे किया हुआ है तो रिमेनिंग जो आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है वो है एटी फाइव रुपीज एटी फाइव रुपीज जो है ये आपने सरकार के खजाने में रिटर्न के साथ जमा करवाने हैं यही है, है सेल्स टैक्स आप इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हो ड्यूरिंग द होल मंथ आपने जो सर्विस रेंडर की या जो सप्लाईज आपने कलेक्ट परचेज सेल परचेज की उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स कलेक्ट करते हो पे करते हो आउटपुट के ऊपर सेल्स के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करते हो जो कलेक्ट करते हो वो ज्यादा होता है जो पे करते हो वो थोड़ा होता है जो इसका डिफरेंस होता है वो आपने सरकार के खजाने में जमा करवाना होता है और ये ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है हर महीने आप इनपुट और आउटपुट टैक्स का हिसाब लगाते हो और जो आपका एक्सेस कलेक्टेड अमाउंट होती है उसको आप सरकार के खजाने में रिटर्न के साथ मंथली बेसिस पे जमा करवाते हो अब यहां पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं अभी तक आपने क्या कहा जी ये क्या है सेल्स है इसको सेल्स सेल्स टैक्स टैक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने सेल्स की और सेल प्राइस के ऊपर जो है ये सेल्स के अंदर एड होता है इसी टैक्स को वैल्यू एडिड टैक्स या वैट भी बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में यही टैक्स वैट के नाम पे लिया जाता है जो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स की मद में लिया जाता है आपने हजार रुपए की चीज के ऊपर कितनी वैल्यू एडिशन की कितनी प्राइस बढ़ाई उसकी पांच सौ रुपया अब अगर पांच सौ रुपए का सेवनटीन परसेंट लें तो वो कितना होगा एटी फाइव परसेंट आपके सामने डिस्प्लेड है इन अदर वर्ड्स आपने जितनी वैल्यू एडिशन की उतनी जितनी आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन हुई उसका जो टैक्स रेट होगा वो आप अप्लाई करेंगे और दैट इज योर लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंटरी इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं वैल्यू एडिट टैक्स बोलते हैं आप इसके ऊपर दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने तौर पर भी देख लें एग्जाम्पल सेट करें और आपको खुद समझ आ जाएगी कि यह वैट क्यों कहलाता है अच्छा अब इनपुट टैक्स की मैंने जिसने पहले बताया कि इनपुट या आउटपुट टैक्स की दो तीन टाइप्स होती हैं ये आपके सामने डिस्प्लेड हैं कि आपने कोई भी ऐसा टैक्स जो कि इम्पोर्ट स्टेज पे पे किया कोई भी सप्लाईज आपने परचेज की कोई फेडर एक्साइज ड्यूटी की मोड में हुआ कोई आपने सर्विस की मद में किया आ, पे किया या कलेक्ट किया तो ये सारा का सारा जो है ये आपका टैक्स क्या कहलाएगा इनपुट टैक्स कहलाएगा अगर आपकी वो परचेजेस हैं और आउटपुट टैक्स खिलाएगा अगर वो आपकी सेल्स के ऊपर जो है वो चार्ज हुआ हुआ है आई होप इट्स क्लियर कि टैक्स की बेसिक थीम क्या है अब आते हैं जी आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सेल्स टैक्स के रेट्स क्या हैं देखें जी पहले क्या हुआ सेल्स टैक्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया एक हिस्सा कौन सा है जी फेडरल टैक्स दूसरा प्रोवेंशियल टैक्स जो हमारी सप्लाईज हैं वो बेसिकली फेडरल टैक्स है उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट सेवेंटीन है और जो हमारी प्रोवेंशियल टैक्सेज हैं यानी कि जो हमारी सर्विस हैं अगर आप फेडरल एरिया में सर्विस रेंडर करते हैं तो उसके ऊपर एफ बी आर इसी तरह खैबर पख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है यानी कि के, के पी के एरिया में अगर आप सर्विस रेंडर करेंगे तो वहाँ पे सर्विस का जो सेल्स टैक्स होगा वो 15 परसेंट और सिंध रेवेन्यू बोर्ड एस आर बी के नाम इसकी एब्रीवेशन जो है सिंध में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो थर्टीन परसेंट है पी आर ए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यहां पर इसका जो रेट है सिक्सटीन परसेंट है सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स का और बी आर ए बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी यहां पर रेट जो है वो फिफ्टीन परसेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जनरल सेल्स टैक्स हैं इसके अलावा स्पेसिफिकली कुछ जगहों पर कुछ खास किस्म की सर्विसेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं लेकिन एज ए बिगिनर स्टूडेंट एज आ, मतलब जो है वो इनिशियल नॉलेज गेनर अबाउट द सेल्स टैक्स आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए जो आज के लेक्चर में है तो यहाँ पे इसको समप करते हैं जी जजाकल्ला खैर रहमतुल्लाहि व बरकातहू